कबीर मनवा निर्मल भया जैसे गंगा नील। बोलो कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नील। पीछे पीछे हरि पीरे रटत कबीर कबीर, पीछे पीछे हरि पीरे रटत कबीर कबीर, रटत कबीर कबीर, रटत कबीर कबीर। बोलो राम जी महाराज। मन निर्मल भया क्यों? उन्होंने निर्मल नाम का सुमिरन किया महाराज, निर्मल नाम की आराधना की है, साधना की है, उनसे उनका मन निर्मल भया। पीछे पीछे हरि फिरे रटे कबीर कबीर, परमात्मा पीछे घूम रहे हैं, हे कबीर तुम हमारे प्यारे हो। पंडित जी और कबीर साहब का रास्ता में मिलन हुआ। संतों का स्वभाव होता है, सदगुरु कबीर साहब ने पंडित जी से राम महाराज किया, राम राम पंडित जी। उस समय पंडित जी सोच गए हुए हैं, हाथ की सफाई नहीं, हाथ धोए हुए नहीं है। उन्होंने विचार किया मैं राम राम कैसे बोलूं, अभी तक मैंने स्नान भी नहीं किया है, हाथ भी नहीं धोया है, पवित्रता नहीं है, कैसे मैं राम बोलूं। पंडित जी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो कबीर साहब ने सोचा कि जो मैं बोला हूं ये पंडित जी सुने नहीं होंगे, दोबारा और बोले पंडित जी राम महाराज, फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार और बोले पंडित जी राम राम, फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। पंडित जी वहां से गुजरे एक तालाब में गए, पीछे पीछे उसी रास्ते सदगुरु कबीर साहब जा रहे हैं। पंडित जी स्नान किया, हाथ धोकर के स्नान किया, स्नान ना धोकर के तैयार हुए। उस समय कबीर साहब और पहुंच गए तालाब में, पंडित जी राम महाराज, फिर तो बड़े भाव से राम महाराज, भाव जी राम महाराज, राम महाराज, राम महाराज, बड़े भाव से फिर तो रामा समा किया। कबीर साहब कहने लगे पंडित जी मैंने पहले आपसे तीन दफे राम राम किया, आपने जवाब नहीं दिया। बोले कि महाराज उस समय मैं अपवित्र था, मैं सोच गया हुआ था, हाथ भी साफ नहीं था, स्नान किया हुआ नहीं था, तो मैं राम राम कैसे बोलूं, मैं अपवित्र था इसलिए मैंने राम राम नहीं कहा महाराज। तो अब तो बड़े भाव से करते हो ना, हाँ अब मैं पवित्र हो गया। आप पवित्र हो गया कैसे हो गए? बोले कि जल के द्वारा स्नान करके मैं शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, इसलिए अब तो भाव से राम राम बोलता हूं। सदगुरु कबीर साहब कहने लगे पंडित जी बात ठीक है, हमारी समझ में आ गई है, पहले आप अपवित्र थे इसलिए आप रामा समाना ही किया, और अब जो आप जल से स्नान करके पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए, अब तो बड़े भाव से राम राम कर रहे हो, पर एक शंका है हमारी, उनका थोड़ा सा निवारण कर दो। कहो महाराज क्या शंका है? शंका यह है कि आप पवित्र हुए जल से स्नान करके, परंतु ये जल जो है ये पवित्र कैसे होते हैं? आप तो शुद्ध हो गए जल के द्वारा स्नान करके, पर जल की शुद्धि कैसे होती है महाराज? तो पंडित जी कहने लगे महाराज जल की शुद्धि होती वायु के द्वारा, हवा के द्वारा। कुआं से आप जल निकालो बदबू देने वाला और उसको चौड़े मैदान में रख दो खुला, तो वायु के द्वारा हवा के द्वारा उनकी दुर्गंध चली जाएगी और जल स्वच्छ हो जाएगा महाराज। तो जल जो है ना पवित्र होता है वायु के द्वारा। अच्छी बात, ये समझ में आ गई बात, पर एक शंका और है, उनका समाधान कर दो। वो क्या शंका है? आप पवित्र हुए जल के द्वारा, जल पवित्र होता वायु के द्वारा, परंतु ये वायु जो ना ये पवित्र कैसे होती, इनका थोड़ा सा खुलासा कर दो। पंडित जी विद्वान थे, भाई बहनों
विद्वान अलग होते हैं, अनुभवी अलग होते हैं। विद्वान लोग कैसे हैं? विद्वान लोग दीपक के समान है, अनुभवी लोग मणि के समान है। हमारा मणि का प्रकाश चारों तरफ रहता है, मणि के पास में अंधकार नहीं रहता, पर दीपक के जो पास में अंधकार रहता है। दीपक जो कहते जुगता है सारा मकान में प्रकाश करता है, परंतु दीपक के नीचे तले में अंधकार रहता है, और तले में जो अंधकार वो कब समाप्त होगा? तीट अंधेरा जब मिटे सामा दीपक जो, दीपक के नीचे का अंधकार जब ही समाप्त होता है उस दीपक के सामने कोई दूसरा दीपक और झुपे, तो दोनों परस्पर अपना अंधकार मिट देते हैं। तो पंडित जी एक दीपक है हमारा, संसार में प्रकट यानी कि प्रकाश करते हैं, उपदेश करते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, परंतु उनके तले में यह अंधकार नाम की महिमा वो नहीं समझ पाए। सदगुरु कबीर साहब कहने लगे, पंडित जी थोड़ा सा समाधान कर दो, आप पवित्र हुए जल के स्नान के द्वारा, जल के द्वारा, जल पवित्र होता वायु के द्वारा, परंतु ये वायु जो है ना ये पवित्र कैसे होती है? पंडित जी कहने लगे, वायु जो पवित्र यूं होती है, सेंस जी महाराज के सेंस जो मुंडा है, सेंस मुंडा में दो दो जीवा है महाराज, और इतने जीवों के द्वारा वो राम 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 की धुनि करते हैं, उस राम राम की धुनि के प्रमाणों से वायु शुद्ध हो जाती है महाराज। सदगुरु कबीर साहब कहने लगे, तब पंडित जी सबसे श्रेष्ठ ये नाम ही तो हुआ ना, नाम सबको पवित्र करता, हां सबको पवित्र करता, तो तुम पहले क्यों नहीं नाम बोले? आपको ये शंका क्यों थी कि मैं शुच नहीं हूं, पवित्र नहीं हूं, मैं कैसे राम राम बोलूं? पंडित जी की आंख खुल गई, कबीर साहब के चरणों में गिर पड़े महाराज, तले का अंधकार मेट दिया महाराज, पीठ अंधेरा जब मेटे सहमा दीपक जो। इसलिए इतने हम जान गए फिर भी सत्संग करना चाहिए, अपने से बड़े महापुरुषों का सत्संग करना चाहिए। सब बात हम नहीं जान सकते, और भी बात मिलेगी, और भी मिलेगी, ऊंचे से ऊंचे महात्मा का सत्संग करो भाई बहन, साथ करो, संग करो। एक दायरा में आप बंद गए, मुक्त नहीं होंगे महाराज, पूरी बात समझ में नहीं आएगी। यहां बताया हमारे महापुरुषों ने, सब संतों का सत्संग करो, सार ग्रहण करो। सब संतन की मति गहे सुमरे कीर्तारा, या खुलासा किया महापुरुषों ने, सब संतों की मति गहे, सब संतों का जो कहते सार सिद्धांत क्या है उनको समझे मारा। सब संतन की मति गहे सुमरे कीर्तारा, सुंदरे से गुरु बिना नहीं होवे निस्तारा, सुंदरे से गुरु बिना नहीं होवे निस्तारा, नहीं होवे निस्तारा। बोलो राम जी महाराज। कई लोग संप्रदायवाद में बंद गए महाराज, कहीं भी सत्संग नहीं जा सकते, कहीं भी सत्संग श्रवण नहीं कर सकते, तो बंद गए, बात पूरी समझ नहीं आ सकती उन लोगों को। अंत में पिछताएंगे, अंत में रोएंगे, पर अंत में कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए भाई बहनों, संतों का सत्संग करो, सार पकड़ो, अपने जो अनुकूल है वो पकड़ लो बात। सब संतन की मति गहे सुमरो कीर्तारा, सुंदर ऐसे गुरु बिना नहीं होवे निस्तारा। इतना भी हम पढ़ लिया, सीख लिया, जान लिया, अभी भी बहुत बाकी है जानना महाराज, बहुत बाकी है। और संग करो, अच्छे पुरुषों का साथ करो संग, और आपको मिलेगा, और कुछ मिलेगा।